हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज है संडे और काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है, क्योंकि ना तो घर पे परी है ना परी के पापा हैं, दोनों गए हुए हैं घूमने के लिए। तो इसी वजह से जो है काम मेरा सारा फिनिश हो चुका है और जल्दी जल्दी काम मैंने कर लिया था, क्योंकि संडे के दिन मोस्टली हम लोगों का काम बहुत लेट होता है, क्योंकि पहले बच्चे भी स्कूल नहीं जाते और हस्बैंड वो भी ऑफिस नहीं जाते, तो कभी किसी का देखो कभी किसी का देखो। तो इसी वजह से जो है संडे के दिन या जब भी छुट्टी होती है उस दिन सभी का काम लेट होता है। और दूसरे दिन क्या होता है कि हम लोग एक रूटीन होता है कि हाँ हमने मतलब सुबह सुबह सबको भेज दिया, उसके बाद हमारा टाइम अपना होता है कि हम उसमें फटाफट काम करके फ्री हो जाते हैं। लेकिन दूसरे दिन जब छुट्टी होती है तो उस दिन हमारे नहीं चलती, उन दिन उन लोगों की चलती थी कि छुट्टी होती है तो कभी उन्हें कुछ दो कभी कुछ दो कभी कुछ दो। इसी वजह से जो है हम लोगों का काम जो है बहुत लेट हो जाता है। तो आज का दिन भी संडे है तो आज तुम्हारा काम हो चुका है। ये लोग दोपहर का टाइम आएंगे तो उस टाइम तक सिर्फ खाना पीना बनाना रह जाएगा, मेरी सब्जी बन चुकी है, सिर्फ रोटियाँ डालनी हैं और बस। कल है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को एडवांस में, क्योंकि ये वीडियो जो है वो कल जाएगी। तो इसी वजह से मैं कल के लिए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, तो इस फेस्टिवल को आप बहुत अच्छे से मनाइए, सेफ्टी से मनाइए, ऐसा ना हो कि मतलब जब हम पतंग उड़ाते हैं तो उसमें आपको ही हार्म हो। तो इसी वजह से, और जो टू व्हीलर वाले हैं प्लीज़ वो ध्यान से सेफ्टी से जाइए, क्योंकि इस दिन क्या होता है इससे मतलब जब से पतंग उड़नी शुरू हुई है काफ़ी ऐसे केसेस आए हैं सामने कि जो पतंग का जो धागा होता है जो भी बोलते हैं उसे मांझा वांझा जो भी बोलते हैं, तो वो जो है जब कट के गिरता है तो जो टू व्हीलर वाले होते हैं उन्हें नहीं पता चलता कि सामने से जो धागा आ रहा है वो मतलब कि मतलब होता है ना कि हाँ कहाँ पे अटक जाए वो धागा। तो ज़्यादातर केसेस ऐसे आ रहे हैं कि वो धागा जो है नेक पे जाके अटकता है, तो जिस तरह से हमारी फिंगर कट जाती है ना इसी तरह से वो यहाँ पर भी मतलब थोड़ा बहुत निशान डाल देता है, और नेक का निशान बहुत गंदा होता है। तो इसी वजह से आप लोग जब भी बाहर निकलिए तो हेलमेट से लगाते हैं, तो वो तो यहाँ तक आता है लेकिन जो यहाँ का हिस्सा जो है हमारा अनसेफ रह गया, तो उसके लिए आप जो है जो साफा होता है सभी को पता है क्या होता है, तो उसको आप यहाँ तक कवर करिए, तो उससे जो जो मांझा है वो आपको यहाँ टच नहीं करेगा, तो आपको हार्म नहीं होगा उस मांझे से। तो प्लीज़ जब भी आप बाहर जाइए तो इस चीज़ का ध्यान रखिए जब तक पतंगे उड़ रही हैं तब तक। तो बस, और हाँ अब जन्माष्टमी भी आने वाली है, सारे त्यौहार ऐसे हो रहे हैं कि मतलब दो हो रहे हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो सिंगल है। 14 अगस्त क्या होता है कि 14 अगस्त को मना लेते हैं स्कूल में, 15 अगस्त को तो होती छुट्टी है। इस बार क्या हुआ, राखी वैसे तो एक ही होती है लेकिन इस बार राखी भी दो हो गई, 11 तारीख की और 12 तारीख की। सब कंफ्यूज थे कि मनाना किस दिन है, 11 को मनाने हैं या 12 को मनाना है, सब एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं कि तुम कब मना रहे हो। होता है ना कि हाँ एक फेस्टिवल हो एक दिन हो तो मतलब सब आराम से मना लेते हैं, लेकिन जब दो होते हैं तो उसमें सब कंफ्यूज हो जाते हैं और सब एक दूसरे से एडवाइस देते हैं कि तुम कब कर रहे हो तुम कब कर रहे हो। तो कभी तो कोई कहता 11 को कर रहे हैं, कोई कहता 12 को कर रहे हैं। तो राखी का भी सिर्फ यही था आपकी बार कि कोई किसी ने 11 को मनाई है किसी ने 12 को मनाई, तो यही कन्फ्यूज़न था। और इस बार जो है जन्माष्टमी भी दो हो रही हैं, जन्माष्टमी तो हर बार ही दो होती हैं, काफ़ी टाइम से दो ही हो रही हैं। इस बार भी जन्माष्टमी जो है 18 की भी है और 19 की भी है। अब समझ नहीं आ रहा 18 को मनानी है 19 को मनानी है, तो हम लोग तो 18 को मनाएंगे जहाँ तक मेरा है, सॉरी, तो हम लोग तो 18 को मनाएंगे, 19 का देखते हैं अभी, लेकिन जहाँ तक मेरा है तो हम तो 18 को मनाएंगे। और राखी भी हमने जो है 11 तारीख ही मनाई थी, 12 की कोई हमने कोई वो नहीं लिया कि हाँ 12 को मनानी है, क्योंकि 11 की छुट्टी थी, ज़्यादातर ऑफिस में 11 की छुट्टी थी तो, और स्कूल की भी 11 की छुट्टी थी, इसलिए हमने जो है फेस्टिवल जो है राखी का वो हमने 11 को ही मनाया। अब क्या नाम है जन्माष्टमी का देखते हैं, लेकिन जहाँ तक मेरा है हम तो 18 को ही मनाएंगे, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है कि दो दिन की हो रही है, 18 की भी हो रही है 19 की भी हो रही है, लेकिन स्टार्टिंग 18 से है ख़त्म 19 से है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है।
तो बस 18 को मनाते हैं और देखते हैं आगे क्या होता है। अभी तो मैं खुद बता रही हूँ अपना। और देखिए आज मैंने ये ब्लू कलर की नेल पेंट लगाई है और ये वाला कफ पहन लिया है मैंने, क्योंकि ये रखा हुआ था। मैं सोची क्या होगा इसका, बाहर तो कहीं जाना है नहीं तो घर में ही पहन के इसे यूज़ कर लेते हैं। और आज मैं बनाऊँगी, मेरे पास जो डब्बा रखा है प्लास्टिक का, तो उससे मैं बनाऊंगी पेन स्टैंड, क्योंकि परी की जो कभी पेंसिल इधर पड़ी रहती है कभी पेंसिल उधर पड़ी रहती है, तो मैंने सोचा इसका भी यूज़ हो जाएगा और जो परी की जो पेंसिल वेंसिल पड़ी रहती हैं उसका भी यूज़, मतलब वो भी आराम से सेट हो जाएंगी। तो कुछ मतलब मैं बाहर से नहीं लेकर आई हूँ। हाँ, और एक चीज़ और, जो हमारी राखें जो बस्ती हैं उसका भी यूज़ उसी में हो जाएगा डेकोरेशन के लिए, क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो तो आराम से वियर कर लेते हैं राखी को अपने हाथ पे, लेकिन बच्चे जो होते हैं आधे घंटे के अंदर वो राखी जो उतार के फेंक देते हैं। ठीक है, अब वो हमारे ऊपर है कि हम उन राखियों का करें क्या, फेंक दें या उठा के रखने का मतलब क्या है, फिर कहाँ रखें उन चीज़ों को। तो मैंने क्या किया है, उन सारे जितनी भी परी ने राखी उतार के डाल दी है सबके मैंने मोती निकाल ली हैं और उनका मैं यूज़ करूँगी। मतलब जो हम चीज़ें बनाते हैं, कुछ ही बना लीजिए घर में सजाने के लिए, कुछ ही बना के उसमें आप उनको चुका दीजिए तो वो भी आपका यूज़ हो गया और जो राखी हमारी वो भी हमारी वेस्ट नहीं है, वो भी हमारे पास है। तो बस अब मैं वही चीज़ बनाने जा रही हूँ, तो चलिए मेरे साथ और आप भी देखिए मैं किस तरह से बनाती हूँ। आई थिंक आज मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि परी है नहीं यहाँ पर और इसी वजह से मैं बोल रही हूँ, और गर्मी बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पर। ऊपर का काम सारा फिनिश हो चुका है, हो सकता है मैं ऊपर जाके बनाऊँ या हो सकता है यहाँ भी बनाऊँ, क्योंकि अभी पक्का नहीं है कहाँ बनाऊँगी। ऊपर जाऊँगी तो फिर सारा सामान मेरे को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम है। तो हो सकता है मैं यहीं बना लूँ और बस। तो चलिए बनाते हैं पेन स्टैंड। तो देखिए सामान लेके मैं आ चुकी हूँ, ज़्यादा सामान नहीं है, बहुत कम सामान है। एक ये डब्बा है, ये आपको शायद याद भी होगा कि मैंने ये दो डब्बे मंगाए थे ऑनलाइन से, तो इसका जो डब्बा है वो मैंने काट दिया था, तो इसकी वजह से जो है ये तो यूज़लेस हो गया था। तो फिर मैंने क्या किया, इसमें जो है मैंने मनी प्लांट के पेड़ उगाए थे लेकिन वो नहीं हुए इसमें, क्योंकि उनके लिए पानी चाहिए ज़्यादा, इसमें इतना पानी नहीं आता है, तो फिर वो मैंने निकाल दिए। और मैं बनाऊंगी इसका पेन स्टैंड। एक और डब्बा रखा है मेरे पास लेकिन अभी मैं इसी का बना लेती हूँ। तो एक ये है मेरे पास, दूसरा एक ये पेपर है, और ये भी ऐसा नहीं न्यू है, ये भी पुराना है। मैं वेस्ट मटीरियल से ही ज़्यादा चीज़ें बनाने की कोशिश करती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर जो है परी ने जो कुछ बना रखा था, तब इसका किसी काम का ये है नहीं, वो काफ़ी टाइम से ये ऐसे पड़ा हुआ था, तो ये इसमें लगा दूँगी। ठीक है, और एक ये वाला है, ये भी न्यू नहीं है, इसमें भी कुछ ना कुछ लिखा हुआ है। तो इसके मैं बनाऊँगी फ्लावर्स, और गम है, और जैसे मैंने आपको बताया जो राखी के जो मोती हैं वो रखे हुए हैं, वो मैं इसमें रख लिए हैं। कुछ मोती राखी के हैं और कुछ मोती एक्स्ट्रा थे मेरे पास, जो मैंने आपको दिखाए हुए थे कि माला बनाई थी हम लोगों ने, तो वो मोतियाँ मेरे पास रखी हुई थी सेफ। तो बस ये है, पेपर है, मोतियाँ हैं और ग्लू है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं है डेकोरेशन के लिए। तो इन्हीं से मैं बनाने वाली हूँ, देखते हैं कैसा बनता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके अकॉर्डिंग इसको काट लूँगी, इस पेपर को चिपकता है आसानी से जाएगा ये, इस तरह से इसे मैं चिपका लूँगी। अभी चिपका के फिर दिखाती हूँ मैं आपको। तो ये देखिए गाइस, ये मैंने इस तरह से जो पेपर था हमारा वो मैंने इस तरह से चिपका लिया है,
चारों तरफ से बहुत अच्छे से चिपक गया है ये। अब हम डेकोरेशन के लिए बनाएंगे कुछ। देखते हैं फ्लावर्स बनाते हुए या कैसे भी करके कुछ अच्छा सा बना लेंगे। तो गाइस जो मैं फ्लावर्स बनाऊंगी वो पेपर का बनाऊंगी, तो मैंने इतना बड़ा पेपर ले लिया है। अब इस तरह से मुझे फोल्ड करना है। आपको याद भी होगा मैंने दिवाली पर भी इसी तरह से काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए थे और वो मैंने पूरी वॉल पे लगाए थे। इस टाइम जो वॉल है वो ख़राब हो रही थी, तो इसी वजह से मैंने डेकोरेशन के लिए इस तरह के काफ़ी सारे फ्लावर्स बनाए थे और दिए बनाए थे। इस तरह से करने के बाद इस तरह से किया और उसके बाद जो इनको हाफ करना है इस तरह इक्वल हाफ हो चुका है। ये देखिए इस तरह से हाफ कर लिया है। अब हम इसे सीजर से जो है कट करेंगे दोनों साइड से। ये कट हो गया और अब दूसरी साइड से इस तरह से जो है हमारी शेप आ जाएगी। उसके बाद जो है हमें यहाँ से इस तरह से हमें इसे ओपन करना है। ऐसे और यहाँ से दोनों साइड से हमको जो पेपर है ये चिपका लेना है। तो हमारा इस तरह से एक फ्लावर्स बन जाएगा। जो इसकी ओपन साइड है दोनों, जो इसकी खुली हुई साइड है इसको हमें चिपकाना है। वन साइड और इसी तरह से हमको जो है दूसरी साइड से भी इसको हमें चिपका देना है। तो ये हमारा एक फ्लावर बन जाएगा। चिपकने में थोड़ा टाइम लगेगा इसे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये टू फ्लावर्स बनाए हैं। अब जो है मैं इन दोनों को, एक बड़ा है और एक छोटा है, तो इन दोनों को मैं इस तरह से चिपका दूंगी। इस तरह बन चुके हैं ये। अब बीच में सेंटर में जो है हम जो हमारे पास मूर्तियां हैं वो हम लगा देंगे। मेरे को एक ही बनाना है क्योंकि ज्यादा बड़ा ये है नहीं, मेरे को सेंटर में लगा देना है ये सिर्फ। तो इसलिए मैं सिर्फ एक मूर्ति लगाऊंगी, ये तो देखिएगा भी नहीं। एक ये वाला मूर्ति है, एक गोल्डन है और दूसरा वाइट है। एक और है मेरे पास मूर्ति, जो इससे चलेगा वो लगा।
एक ये वाला है, काफी बड़ा हो जाएगा, ये अच्छा लग रहा है इसके ऊपर। इस तरह से हमारा एक फ्लावर्स रेडी हो गया है। अब हमें इसको चिपकाना है सिर्फ। और आज मैंने ना आँख में काजल लगा लिया, क्योंकि मेरी सुबह से ना आँख में इचिंग सी हुई थी, तो मैं दवाई तो डालती नहीं हूँ आँखों में, बहुत कम डालती हूँ। जब मतलब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब मैं दवाई डालती हूँ, इससे पहले मैं दवाई नहीं डालती। तो मैंने काजल बना रखा है, जैसे हम सभी बनाते हैं दिवाली पर जो हम काजल बनाते हैं वही मैंने बनाया था। तो उससे जो है क्या होता है कि उसमें मैंने कैथोड डाल रखा है और थोड़ा सा एक ड्रॉप के लगभग घी है देसी, और जो अजवाइन होती है उसका मैंने बनाया है ये काजल। तो मतलब जब हमारी आँख में खुजली होती है तो उसे लगा लो तो बहुत मतलब एक डेढ़ घंटे के अंदर बहुत रिलीफ मिलता है। तो इसी वजह से मैंने काजल लगा लिया था, तो मेरी आँख में बिल्कुल भी खुजली नहीं लग रही है। नहीं तो क्या होता है हम लोगों का कि जब तक हम आँख में दवाई ना डालें जब तक मतलब खुजली लगती रहती जाती ही नहीं है, और हमारी आँखों को जो है चीज़ की आदत पड़ जाती है। जब तक हम दवाई डालेंगे उसका असर है तब तक तो ठीक है, दवाई असर ख़त्म होती है फिर दोबारा से क्या है खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो ये जो काजल है बहुत अच्छा है, सभी के लिए अच्छा होता है, बल्कि जो हम बाहर का काजल लगाते हैं उससे तो काफ़ी अच्छा है कि मतलब घर का काजल बनाओ और लगाओ, आँखों को भी अच्छा है और मतलब बच्चों को भी लगाओ और बड़े भी लगाओ इस काजल को। का जब कहीं फंक्शन में जाएँ तो ठीक है कि हाँ हमने जो रेडीमेड काजल आता है वो लगा लिया, लेकिन ज़्यादातर कोशिश करो अगर आपको काजल लगाना है तो आप घर का ही लगाइए, इससे हमारी जो आईज है वो सेफ रहती है। तो बस ये भी सूख चुका है, अब हम इसे चिपका देते हैं, इस पर सेंटर में लगाऊंगी मैं, ना साइड में ना कहीं। जब ये चिपक जाएगा तब दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं इसे सीधा करूंगी तो अभी ये नीचे गिर जाएगा। तो थोड़ा हम वेट करते हैं और उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी किस तरह से हमारा पेन स्टैंड बना है, ठीक है। तो गाइज जब जन्माष्टमी आएगी तो उसके 15 दिन बाद जो आती है वो राधाष्टमी आती है। तो ये दिन जो है बहुत अच्छा होता है, दिन तो खैर सारे अच्छे हैं, सारे दिन भगवान के हैं, तो ये दिन जो है एक अलग ही है। इस दिन जो है व्रत रखा जाता है, बहुत से लोगों को नहीं पता होगा कि जन्माष्टमी, सबको पता होता है जन्माष्टमी पे हम क्या करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये चीज़ सबको पता है, लेकिन राधाष्टमी के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। बहुत से मेरे भी लोग हैं जिनको नहीं पता है राधाष्टमी होती क्या है। तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसने मुझे बताया था कि राधाष्टमी के दिन क्या होता है, इस दिन की मतलब इस दिन को क्या करते हैं। तो थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। तो वही चीज़ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप सोच रहे होगे कि मतलब पहले मैं अपनी वीडियो में इस तरह की बातें नहीं करती थी, लेकिन हुआ क्या मेरे साथ, जब से मैं बीमार पड़ी हूँ, जब से मैं आध्यात्मिकता की और थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा मैं जा चुकी हूँ, तो मतलब मुझे थोड़ा बहुत पता है कि हाँ इस दिन क्या होता है। तो इस दिन जो है हम लोग व्रत रखते हैं, अपने परिवार के लिए रखते हैं, अपने हस्बैंड के लिए, अपने बच्चों के लिए, सभी के लिए व्रत रखते हैं, और नहीं है तो अपने लिए व्रत रखो, क्योंकि भगवान ने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है उसके लिए व्रत रखो, और हर दिन सुबह उठ के बोलो थैंक यू गॉड इतनी अच्छी लाइफ देने के लिए, इतना अच्छा परिवार देने के लिए, इतने अच्छे बच्चे देने के लिए, जिसके नहीं है वो कुछ और बोल ले। तो मतलब कि हमें हर दिन भगवान को ग्रेटफुल होना चाहिए कि हाँ भगवान आपने हमें इतना अच्छा सब कुछ दिया है, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं तो अब उठ के यही करती हूँ, भगवान थैंक यू सो मच आपने इतनी अच्छी लाइफ दी है,
हमें कभी भी मतलब अपनी लाइफ में नेगेटिव नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। अगर हो भी रहा है ना नेगेटिव, तभी सोचो पॉजिटिव ही हो रहा है, पॉजिटिव ही होगा। अगर हमने सोच लिया हमारे ये उल्टा सी उल्टी चीज़ें हो रही है तो वो होंगी। अगर आपने सोच लिया नहीं सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो इस दिन क्या होता है, जो मैंने सुना है वीडियोस में मतलब दूसरों के मुंह से, इस दिन हम लोग व्रत रखते हैं राधा कृष्ण को एक साथ, मतलब कि चाहो तो आप मूर्ति जो होती है उनके ऐसे वो ले लो या जो फोटो होती है वो ले लो, अच्छे से नहला धुला के इनको इनकी पूजा करो, वो माला चढ़ाइए। इससे इस व्रत से मानता ये है कि जो हमने पाप किए हैं वो हमारे पाप जो है धुल जाते हैं, चाहे हम कितने भी व्रत रखें लेकिन अगर हमने ये व्रत रख लिया ना तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। और मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने कोई मतलब कभी कोई पाप ना किया हो, जिसने ना किया हो, ये सॉरी उसके लिए नहीं है ये वीडियो। देखिए हम लोग जो है कभी ना कभी अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं कि हमें खुद भी पता नहीं चलता कि हमने कर क्या दिया। तो उसी के लिए अगर हम ये व्रत रखते हैं तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। जैसे कि हम लोग जाते हैं ना हरिद्वार गंगा स्नान के लिए, कि बोलते हैं कि हाँ हरिद्वार हम नहा लिए तो मतलब हमारे सारे पाप जो है वो धुल चुके हैं, हम बिल्कुल स्वच्छ हो चुके हैं। तो इसी तरह से इस व्रत की मान्यता है कि अगर आपने एक साल में एक बार आता है अगर आपने राधाष्टमी का व्रत रख लिया तो आपके सारे पाप धुल जाएंगे और आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। तो बस मुझे ये बताना था मतलब वो कर क्या रही थी, कहाँ चलेगी ये, देखिए हमारा सूख चुका है। और ये जो है मैंने यहाँ पे जो है मोतियाँ रखी थी मेरे पास, तो मैंने वो भी इसमें ऐड कर दिए। तो आप बताइएगा कि किस कैसा लग रहा है ये। मैं इतनी अच्छी आर्ट एंड क्राफ्ट नहीं हूँ लेकिन हाँ जितना ही मुझसे हुआ मैंने बना लिया। तो ये देखिए आप बताइएगा कैसा लग रहा है, यहाँ सिंपल है कि पीछे कैसा है, ये फ्रंट का है तो डेकोरेट कर दिया मैंने। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ क्योंकि काम वाम सारा फिनिश हो चुका है, तो मैं क्या दिखाऊँगा आपको, वो तो सारा ख़त्म हो चुका है। और सुबह सुबह मैं काम कर लेती हूँ अपना फटाफट से, तो मतलब इससे दर्द नहीं रहती कि हाँ भाई अभी ये करना है, वो करना है, वो करना है। तो खाना पीना हमारा हो ही चुका है, हो नहीं चुका है मतलब कि मैंने बना लिया है, सिर्फ रोटी बनानी है, जब भूख लगी तो हम लोग खा लेंगे, अभी तो भूख नहीं है तो इसलिए मैंने सोचा एक्स्ट्रा टाइम है मेरे पास तो मैंने ये बना लिया था। तो बस चलिए तो इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको जरा सी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जब तक के लिए बाय बाय। ये वीडियो कल जाएगी तो इसलिए आपको फिर दोबारा से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, अच्छे से मनाइए, सेफ्टी से मनाइए। तो चलिए इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, कल तो नहीं मिलूँगी परसों मिलेंगे। तो बाय बाय, टेक केयर।